की बड़ी खबर फर्स्ट बिहार झारखंड आप तमाम दर्शकों के लिए गया से लेकर आया है। गया में ताबड़तोड़ धर्म परिवर्तन का जो सिलसिला है वो चल रहा है। गया के डोभी प्रखंड में 500 से ज़्यादा लोगों ने धर्मांतरण कर लिया है। इसको लेकर अब पूरे बिहार में जो चर्चा है वो तेज है। गया के स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है कि ईसाई धर्म के कई लोग हैं जो डोभी में रोज घूम रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं ऐसे अशिक्षित समाज को जिनका धर्म परिवर्तन कराया जा सके। जी हाँ, स्थानीय लोगों ने साफ तौर पर बताया कि मांझी जाति से यानी कि जो मुसहर जाति के लोग हैं उनको धर्मांतरण के लिए लगातार टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले गया शहर के नगर प्रखंड स्थित नैली पंचायत के बेलवादी गांव में करीब 50 परिवारों के धर्मांतरण का मामला उजागर हुआ था। फर्स्ट बिहार की टीम ने डोभी प्रखंड के कई पंचायतों में पड़ताल किया। पता चला लोगों की बीमारी ठीक करने से लेकर वेतन तक के लालच पर धर्म बदला जा रहा है। फर्स्ट बिहार की टीम गया के सुदूरवर्ती प्रखंड डोभी के गाँव में पहुंची। वहाँ ईसाई धर्म का कैंप लगा था, उसे अस्थाई चर्च का रूप दिया गया था। चर्च के उस कैंप में 200 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। सब में मांझी परिवार के ही लोग नजर आ रहे थे। पूछने पर पता चला कि इन तमाम लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया है। कैंप की कमान एक महिला के हाथों में थी जो बोलने के लहजे से दक्षिण भारतीय लग रही थी। हमारी टीम ने जब पूछा तो उन्होंने अपना नाम दीदी बताया। सब यहाँ दीदी कहते हैं और इसलिए आप भी दीदी बोली। वेशभूषा बिल्कुल हिंदू धर्म की साध्वी जैसा, वैसे ही हल्का गेरुआ वस्त्र और चादर ओढ़े हुए वो बैठी थी। डोभी के उस धार्मिक कैंप में सुरेंद्र मांझी बैठे थे, उन्हें ईसा मसीह के संदेश बताए जा रहे थे। हमारी टीम ने जब सुरेंद्र मांझी से पूछताछ की तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि वो पहले हिंदू थे लेकिन अब ईसाई बन गए। सुरेंद्र मांझी की जुबानी ही समझिए कि वे क्यों ईसाई बन गए। क्या नाम हुआ आपका? घर? पिताजी का नाम? आप मांझी हैं, हिंदू हैं, फिर भी आप चर्च में आकर के प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कारण है? कौन सा आपको टॉनिक दिया गया जो बीमारी दूर होगी? सुनने को मिला कि महीने में कुछ पैसा और भी घर मकान सब मिलता है इसके मार्फत से, मंथली में पैसे मिलता है, इस पर आप क्या करते हैं? पैसा आपको आप देते हैं या आपको मिलता है? पैसा है नहीं मिलता। क्या मिलता है? सिर्फ पूजा पाठ और कुछ? आपके गांव से कितने लोग आए हैं? तो अब आप अपने को कौन सा धर्म मानते हैं, हिंदू या ईसाई? तो आपसे आप ईसाई का जो गॉड है उन्हें को पूछिए ना। आपके माता पिता क्या थे? तो क्या आप माता पिता को विश्वास छोड़ दिए? आप माता पिता को हिंदू बना दिए, आप बदले ईसाई? इस पर सर्वतम समझ सकते। तो आपने सुना सुरेंद्र मांझी का साफ तौर पर कहना है कि पहले उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी लेकिन जैसे ही वो इस कैंप में आए और पूजा करना शुरू किया तो बीमारी ठीक हो गई और सुख शांति से उनका परिवार चलने लगा। बात की जाए तो जैसे ही सुरेंद्र मांझी अपनी बातों को रख रहे थे तो वहां कैंप की संचालिका दीदी पहुंच गई। उन्होंने मीडिया की टीम को टोका और सुरेंद्र मांझी को वहां से जाने को कह दिया। इसी में सुरेंद्र मांझी की बात अधूरी रह गई। वहीं एक अन्य महिला की बात माने तो सविता मांझी का कहना है कि उनकी बेटी की तबीयत बहुत खराब रहती थी। इस कैंप में कुछ लोग आते थे, वे सब बोले कि कैंप में चलोगी तो बेटी की तबीयत ठीक हो जाएगी। हम यहाँ आए तो बेटी की तबीयत ठीक हो गई, पिता परमेश्वर सब ठीक कर दिए हैं।
इसलिए हम ईसाई धर्म मानने लगे। देखिए क्या कुछ कहा इस विषय में संविता देवी ने। घर सुंदर पिताजी का नाम आप कौन धर्म से बिलोंग करते हैं? कौन सा धर्म है आपका? ईसाई धर्म। पिताजी का नाम क्या है? विनेश्वर मांझी। तो आप ईसाई धर्म बोल रहे हैं, इसका मतलब मांझी जो हिंदू में आता है, तो आप ईसाई धर्म का नाम ले रहे हैं, आखिर क्यों? मांझी धर्म में मांझी इसलिए मतलब पहले नहीं जानते थे, इसीलिए कि आप जान रहे कि सच्चा परमेश्वर कौन है, इसीलिए लोग ईसाई धर्म जानते। आपके माता पिता हिंदू थे या ईसाई थे? हिंदू थे। तो आपके माता पिता पर खुद विश्वास नहीं रहा, आप ईसाई धर्म में आए हैं, माता पिता से कोई मतलब नहीं है? मतलब है ना, उसने जन्म दिया तो उससे क्यों नहीं मतलब रहेंगे। तो फिर आप हिंदू धर्म में आपके माता पिता थे, आप ईसाई धर्म में क्यों हो गए? वो शारीरिक रूप से जन्म देने वाला था और परमेश्वर था वो मतलब आत्मिक जन्म देने वाला। आप अपने गाँव से कितने, मैंने आपके गाँव से कितने लोग आए हैं यहाँ? यहाँ पे तो हम अकेले हैं उस गाँव से। क्या था फिर, आपको बुलाया गया था यहाँ? हमको बुलाया नहीं गया था, हमको दुख तकलीफ हुआ उसी तरह से परमेश्वर हमें बुलाया, कोई मनुष्य नहीं बुलाया। कोई तो कोई मार्फत होगा, ऐसा नहीं तो भगवान बुला लिया, यहीं पर बुला लिया ऐसा क्यों? बच्चे को मतलब तबीयत खराब था तो यहाँ आप कैसे आए, इस मतलब इस ग्राउंड में कैसे आए आप? यहाँ पे आए मतलब और लोग आते थे कि वहाँ पे मतलब काम होता, तो इधर उधर गए नहीं ठीक हुआ, यहाँ पे आए प्रार्थना हुआ, चंगा हुआ मतलब बच्चा को परमेश्वर को मानने लगे। कितना लोग होंगे शामिल यहाँ पे अभी, एक अंदाजा बता दीजिए। इसी के साथ अगर बात की जाए तो एक दूसरे व्यक्ति ने कहा कि उसे इलाज के लिए मदद मिली थी, हम उससे जब तक पूरी बात पता करते तब तक वहाँ दीदी आ गई और उन्हें इशारा करके वहाँ से हटा दिया। बात की जाए तो दीदी ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुने। मेरा नाम यहाँ सब लोग दीदी जी हमको बोलते हैं। यहाँ ईसा मसीह का पूजा हो रहा है, आप कौन सा देवी देवता पर किस पर किसको मानते हैं आप किसको मानते हैं? हम सबको मानता है जी, दुनिया में परमेश्वर छोड़ करके और कोई है? परमेश्वर को हम लोग हिंदू धर्म में हम लोग जीवन में एक बार मानता है, शादी के कार्ड में लिखता है पता परमेश्वर के कृपा से मेरा बेटा का शादी होने वाला है। हम इन लोगों को सिखाते हैं रोज विदा परमेश्वर का नाम लीजिए और हमेशा उनके साथ, अभी भी बताया है जी, अभी भी बोला है पिता परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि पिता परमेश्वर उसमें लिखा हुआ है कार्ड में, लेकिन प्रेयर प्रार्थना जो है हमारे पूर्वजों से कोई हिंदू धर्म का लोग नहीं करते थे, आपने ये कैसे प्रार्थना करवाया? कौन प्रार्थना कराया? आप अभी टोटल बैठे हुए लोगों को पिता परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करवाएं, हमारे पूर्वज यानी हिंदू का जो पूर्वज हो कभी नहीं किया करते थे, आप किस आधार पे करवाएं? वही हम लोग जान नहीं रहा है, हम लोग का धर्म क्या है? एकमात्र वही परमेश्वर को जानना, उनको सेवा करना, उनमें लीन हो जाना हमारा स्वधर्म है और दूसरा कोई धर्म इस दुनिया में नहीं है। कपड़ा पहनते हैं ये एक संस्कृति हुआ है, वो संस्कृति हम काटा चम्मच से खाना खाएगा उसका माने ही पिता परमेश्वर को मानते थे तब वही हम बोल रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो पूजा हो रही है वो ईसा मसीह की हो रही है, क्या इन लोग पहले ईसा मसीह के पूजा करते थे? ईसा मसीह वही परमेश्वर के पास जाने के लिए सिखाया, ईसा मसीह सिर्फ सिखाया है मार्ग सत्य और जीवन। अभी मैंने एक दो लोग से पूछा, उन्होंने बोला मैं ईसाई धर्म को मानता हूँ, इसके पिता क्या थे? देखिए वही हम आपको बोल रहा है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग दिमागी हैं, आप लोग बहुत ही है, आप खुद आपको यहाँ समाज को। आपने सुना कि हिंदू धर्म में परमेश्वर का नाम सिर्फ एक बार परमेश्वर का नाम लिया जाता है, जब शादी होता है तो कार्ड पर छपता है कि परमेश्वर की कृपा से शादी हो रही है। हम इन लोगों को सिखाते हैं कि रोज़ परमेश्वर को याद करो, परमेश्वर को याद करोगे तो जीवन सुखमय रहेगा। हमने सवाल पूछा कि क्या उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, दीदी ने बड़ी चालाकी से सवाल टाल दिया, एक दफ़े भी स्वीकार नहीं किया कि वे धर्म परिवर्तन करा रही हैं, लेकिन वहाँ बैठे हर आदमी ये कह रहा था कि उसने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया है।